चैन से बैठना चाहते थे, इस नाते कुरुक्षेत्र में कभी भारत को एक दूसरी दिशा देने की लड़ाई हुई थी, लेकिन उससे दूर आकर के आज शिमला में पत्रकारिता को किस हद तक आगे बढ़ाया जाए, इस पर विचार विमर्श मंथन चल रहा है। निश्चित रूप से इस मंथन में कुछ नया निकले, समाज के लिए उपयोगी हो, यह सबसे उपयुक्त होगा। जो विषय दिया, भारत के आजादी के 75 वर्षों में पत्रकारों का योगदान, आज देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द दिया अमृतकाल, अमृत महोत्सव, और कभी कभी हम लोग भी जब जीवन के कुछ उल्लास में होते हैं तो अपने वेडिंग का भी मनाते हैं, 25 वर्ष होता है, 50 वर्ष होता है, और उस 25-50 वर्ष को भी विभिन्न नामों से परिभाषित करते हैं। तो मुझे लगता है कि 75 वर्षों के इतिहास के संदर्भ में जो बात यहां आई है, संगोष्ठी में निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने इस पर विचार किया होगा, मंथन किया होगा, क्योंकि पत्रकार का काम ही है मंथन करना। उसकी एक एक शब्द पर समाज के लोग मंथन करते हैं, एक एक लाइन पर कि पत्रकारिता ने जो लाइन दिया है वह लाइन आज के संदर्भ में उपयुक्त है या नहीं, इस पर भी मंथन होता है। यानी कि आप ही मंथन कर रहे हो, आपके लेखनी पर भी मंथन होता है, आपके विचार पर भी मंथन होता है, और तब समाज उसमें से बहुत अच्छी चीजें निकालता है। लेकिन दे तो आप हो, परस्ते तो आप हो कि निकालो। मैं समझता हूं कि मीडिया को लोकतंत्र का जो चौथा मंच कहा गया है, इसी नाते कहा गया है ये निर्भीकता के साथ अपनी बातों को रखने का अगर कोई साहस रखता है तो पत्रकार है और पत्रकारिता है। वो किसी से भी अपने प्रश्नों का जवाब चाहता है, उसके प्रश्न उसके अपने नहीं होते, उसके प्रश्न समाज से जुड़े हुए होते हैं, व्यवस्थाओं से जुड़े हुए होते हैं, कुरीतियों से जुड़े हुए होते हैं, और शासन के दुर्विनीत भाव से भी जुड़े हुए होते हैं। जो शासन अपना दंड लेकर के शासन चलाने का काम करता है, उस शासन के दंड को भी थोड़ी देर तक ठहर जा, इस बात का संकेत अगर कोई देता है तो ये बैठा हुआ पत्रकार है और बैठी हुई पत्रकारिता है। निश्चित रूप से पत्रकारिता ने स्वतंत्रता के पश्चात अपने मिशन को बढ़ाया है। मैं समझता हूं कि देश में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, हरिद्वाजी ने एक नाम देवर्षि नारद जी का दिया था, वह भी कौन सा देवता क्या कर रहा है इसकी सूचना दूसरे को देते थे, ये समाज के लिए यह है अच्छा काम हो रहा है।
देश को जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो स्वतंत्रता के आंदोलन में भी कई नाम ऐसे आए, मैं समझता हूं कि अपने कलम से पूरी तौर पर ब्रिटिश शासन को दहलाने का काम जो किया और उसके नाम में आया तो गणेश शंकर विद्यार्थी का भी नाम आया। लोकमान्य तिलक का नाम आया, राणकर जी का नाम आया। राणकर जी को तो समझिए कि गणेश शंकर विद्यार्थी को और राणकर जी को अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि पूरी पत्रकारिता उसी में समा जाए। अपने विचारों को जिस तरह से इन लोगों ने अपने भावों को रखा, सुधारात्मक स्थिति में देखा जाए तो बंगाल में राम मोहन राय का नाम आया, महात्मा गांधी को सबके लिए अपने विचारों के आधार पर माननीय रहे और आज तो पूजनीय हो चुके हैं। वह केवल भारत ही नहीं, अपितु उन देशों में भी, जिन देशों में ब्रिटिशों ने महात्मा गांधी जी को गाड़ी से उतार करके हटा दिया था, वहां भी नेल्सन मंडेला का अगर नाम आया तो उसके पहले भारत में जन्मे हुए, राजकोट में जन्मे हुए पूज्य महात्मा गांधी का। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, जिस दक्षिण अफ्रीका में गोरे और कालों का एक भेद था और उसी काले होने के नाते महात्मा गांधी को वहां से ट्रेन से निकाल दिया गया था, आज वो सब के सब गोरे पूरे विश्व से महात्मा गांधी को लोगों के दिलों से नहीं निकाल पाए। आज उनके दिलों में वो समा गए केवल अपने विचार के। शुरुआती स्थिति क्या थी? केवल वकालत नहीं, बैरिस्टर नहीं, बल्कि पत्रकारिता। एक आदर्श पत्रकारिता अगर कहीं रही तो मैं आज भी इस बात को कह सकता हूं कि आदर्श पत्रकारिता अगर कहीं रही तो इस देश की रही, हिंदुस्तान की रही। आज बीबीसी को इंग्लैंड के सरकार के द्वारा पोषित माना जाता है, जिस बीबीसी की न्यूज को लोग सुना करते हैं। लेकिन आज तक इस देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक इस देश में किसी भी पत्रकारिता के संस्थान को सरकार द्वारा पोषित है या नहीं कहा जा सकता। स्वतंत्र पत्रकारिता हिंदुस्तान का एक अंग है और मैं समझता हूं कि वही स्वतंत्र पत्रकारिता का परिणाम है इस बात को लोग डरने लगे थे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उस नाते कि मैं ऐसे पद पर हूं कि मन में रखते हुए भी नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन एक सज्जन ने यह कहा था, उनका नाम छोड़ करके, इंडिया इज सो एंड सो इज इंडिया, मतलब आप लोगों ने समझ लिया। तब कहा था कि जब देश में
आक्रांता की पराकाष्ठा हो चुकी थी। देश में अकेले हम हैं यह गूंज होने लगी थी। तो उनके डंडे को चलाने के बावजूद भी मुझे ध्यान है कि 25 जून 1975 के बाद जो पत्र प्रकाशित हुए थे उस पहले पत्र के बाद ही फिर प्रतिबंध लग पाया। उस पहले पत्र पे प्रश्नवाचक चिन्ह लिखते हुए प्रथम पृष्ठ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लिखते हुए अखबारों ने अपने अखबार को जो है समाज के अंदर दिया। अनुशासन पर्व उसको माना गया। लेकिन वह अनुशासन पर्व कुशासन पर्व के रूप में देश के जनता के सामने आया और अंत में चुनाव हुआ और चुनाव के बाद एक विचारों की जीत हुई, हिंदुस्तान की जीत हुई। और मैं यह कह सकता हूं कि वह एक दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई थी जिसको इस देश के लोगों ने अपने बल पर पत्रकारों की मदद से जीतने का। नई चुनौतियां 1947 के बाद आती गई उसमें मैं यह कह सकता हूं मीडिया कर्मियों की संजीदगी, विकासात्मक पत्रकारिता को अपना करके जो प्रजातंत्र की बुनियाद रही उसको मजबूत करने का काम पत्रकारों ने किया था। आज क्या है मैं इस पर नहीं जाना चाहता। आज मैं निश्चित रूप से इस बात को जानता हूं कि 90 के दशक के बाद से टीवी की पत्रकारिता आई, अब उसको हम पत्रकारिता न माने लेकिन मुझे लगता है कि फिल्मों में बहुत सी बातें आती हैं कि हम ध्यान से देखते हैं उसमें से निकालते हैं लेकिन कभी कभी सीरियल भी पत्रकारिता का एक अंग हो जाता है। और आप लोगों को भी ध्यान होगा कि एक सीरियल रामायण आया था। रामानंद सागर के द्वारा रामानंद सागर को मैं ये कहूं कि वो पत्रकार नहीं थे केवल फिल्मकार थे। तो शायद मैं अपने शब्दों के साथ अन्याय करूंगा। मैं मान करके चलता हूं कि पत्रकारों की अनेक विधा है। रामानंद सागर में एक विधा को लेकर के चलने वाले बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार थे। आपके समाचार पर प्रत्येक दिन हम सब लोग दिन भर टीवी पर बहस देखते हैं। कुछ सार्थक भी होती है कुछ निरर्थक भी होती है और कुछ तो व्यर्थ भी होती है। लेकिन क्या वह क्षण उस पत्रकारिता उसको हम उस सीजन को पत्रकारिता का एक दूसरा रूप नहीं दे सकते हैं कि जैसे आज सब कुछ देखने के बाद भी सवेरे समाचार पत्र देखने को मन करता है देखो भाई क्या क्या है क्या छूट गया है। तो छूट ये जाता है बहुत छोटी छोटी सी बातें होती है जो हमारे गांव की होती है घर की होती है जो दिन प्रतिदिन की हमारे हिस्से में आती है उसको टीवी नहीं उठा पाता है। लेकिन गांव का देहात में जो प्रतिनिधि होता है उस प्रतिनिधि के माध्यम से हम उस समाचार को भी जान पाते हैं जिसको बहुत बड़े स्क्रीन पर नहीं देख पाते हैं। अब वह क्षण मुझे याद आता है जब महाभारत जब रामायण का सीरियल चलता था तो लोगों की आस्था क्या थी
कि सड़कें सूनी हो जाए। लोगों के सबके घरों में टीवियां नहीं थी, तो जिसके घर में टीवी रहा करती थी उसके घर भीड़ लग जाती थी, और कितनी सात्विक भीड़ थी, यहां बैठती थी जब तक वो सीरियल चलता था तब तक कोई एक शब्द बोलता नहीं। मुझे एक दृश्य याद है कि आस्था क्या होती है। दीपिका चिकलिया जो संसद सदस्य भी थी, अभी उसी सीरियल में सीता के रोल में थी, गुजरात में बड़ौदा में एक जगह जा रही थी, और ट्रैफिक पर गाड़ी रुकती है, उनके रेस को देख करके एक ट्रैफिक वाला जाता है और कहता है माता जी प्रणाम। दीपिका चिकलिया तो कुछ देर के लिए एक दृश्य में आई थी, अपना पार्ट अदा किया, चली गई। उसके मन में तो एक भाव अच्छा था कि मैं सीता के भाव को जिस नारद का नाम लिया श्रीमान सुरेश भारद्वाज जी ने, वो भी एक पत्रकार थे, और जिस पराड़कर का नाम वैशंकर विद्यार्थी का नाम मैं ले रहा हूं जा रहे हैं, मुझे लगता है स्वच्छ भाव को, स्वच्छंद भाव को मूर्त रूप देने के लिए अगर ये गोष्ठी आपस में विचार करेगी, तो मुझे लगता है कि 75 वर्ष का अब जो समय चल रहा है स्वतंत्रता के बाद से, हम अगर पत्रकार हैं न रहने के बावजूद भी जिन लोगों का नाम मैंने लिया है याद किए जा रहे हैं, तो अंकन करने का काम पत्रकारिता करे, पत्रकार करे, सरकारों से लोग डरते हैं, आप तो सरकार को डराते हो। अगर ऐसी पत्रकारिता का स्वरूप लेकर के चलिए, मुझे लगता है कि समाज की कुछ कुरीतियों से भी संघर्ष आप लोगों को करने के लिए करना चाहिए। मैं जब से हिमाचल में आया हूं, आने के पहले देवभूमि है, इसको अपने मन में बसा करके आया, लेकिन आने के बाद हिमाचल को भी नशे के कारोबार ने छोड़ा नहीं है। हिमाचल का युवा भी देवभूमि का सपना भी नहीं जानता, हिमाचल के परिवार भी अपने परिवार में इस नशे से पीड़ित हैं। यहां बैठे हुए गर्ग जी से भी मैं इस बात को कहना चाहूंगा, और बैठे हुए ये चौथे स्तंभ जिनके ऊपर समाज के लोगों की दृष्टि रहती है, उनसे जरूर मैं इस बात का निवेदन करना चाहूंगा, हिमाचल को सचमुच में देवभूमि बनाने के लिए अब आप लोगों को और अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। स्कूलों में जाकर के, कॉलेजों में जाकर के, यूनिवर्सिटीज में जाकर के, सरकार को डरा सकते हो तो उस परिवार को भी डराने का काम करो जो यह जानते हुए भी कि हमारे परिवार में नशे का कारोबार चल रहा है और बोलता नहीं है, उन लोगों के भी कुरीतियों को उद्धृत करने का काम अपने समाचार पत्रों के द्वारा करो। कुछ नहीं भाई, लेकिन आज भी इतना विकास होने के बावजूद भी मैं ये धर्मशाला में गया था, और धर्मशाला में मैंने देखा तो एक बच्ची मिली जिसकी पीड़ा यह थी कि उसके परिवार के लोगों ने, शादीशुदा लड़की थी, इस नाते उसको निकाल दिया, उसको टीबी हो गई। इसको कौन लिखेगा? आप नहीं लिखोगे, आप नहीं संघर्ष करोगे तो कौन करेगा?
वो लोग करेंगे जो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां से क्या करते हैं, वो लोग करेंगे जो केवल भाषा दिया करते हैं। देखिए पत्रकारों की शक्ति इतनी होती है, मैं जब विद्यार्थी नेता था तो भाषण की प्रधानता रहे, हमारी बातों को लोग सुने तो मैं इससे कहा करता था, और आज वो शेर मैं आप ही लोगों के सामने उद्धृत कर रहा हूं, आप ही लोगों के लिए कह रहा हूं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रह जाती। आपके लेखनी का इतना दम होना चाहिए कि हिमाचल के लोग जो अपने घरों में आज भी अपने नशेड़ी बच्चों को इस ताते छुपा रहे हैं कि कहीं लोग जान न जाए कि हमारे घर में भी नशा करने वाला कोई है, वो मृत्यु में चला जाता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि उसको जानकारी नहीं है कि वो हार्ट अटैक से वह क्या हुआ, ये सही है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश हुआ जो कोविड के समय में न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व में अपनी वैक्सीन के द्वारा लोगों के जान की रक्षा करने का काम किया। पूरा विश्व यह हिंदुस्तान है, याद वही हिंदुस्तान है जिसका प्रधानमंत्री अगर जा रहा है तो दूसरे देश का प्रधानमंत्री उसका पैर छूगा। यह वही हिंदुस्तान है जिसका प्रधानमंत्री कहीं जा रहा है तो दूसरे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है नरेंद्र मोदी माय बॉस। निश्चित रूप से विश्व गुरु बनने की तरफ हिंदुस्तान अग्रसर नहीं हुआ है। आज मैं मान सकता हूं कि विश्व गुरु की परंपरा को भारत ने जो दिया था नाम वह अपना चुका है, इस नाते कि मैंने वह दृश्य भी देखा कि न जाने कई कई दिन बैठ करके अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए लोग दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठे रहते हैं कि किस दिन मुलाकात होगी, और मैं वह दृश्य भी देखा, अभिभूत हो गया उसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति आकर करके हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पास आकर के खड़ा होता है और वो हटके खड़ा होता है, कहता है आपकी लोकप्रियता ऐसे एक पूजा टुकड़ा को। यह आपकी महानता भी है, यह आपकी कलम की कहीं न कहीं चमक भी है, इसको और चमकाइए और बढ़ाइए। बुराइयों से संघर्ष करने का साहस लोगों को दीजिए और भारत को उसी साहस के आधार पर विश्व गुरु बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ाइए। आपकी गोष्ठी में यह विषय पूरी तौर पर आए, मैं समझता हूं निश्चित रूप से उसमें मथने के बाद अच्छा घी निकलेगा, क्रीम नहीं कह रहा हूं, घी निकलेगा, और उस घी की सुगंध, क्रीम की सुगंध नहीं होगी, उस घी की सुगंध समाज में जाए और उस सुगंध से समाज सही हिंदुस्तान बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के महामहिम ने भी बात कही कि पत्रकार में निर्भीकता होना जरूरी है। महोदय हम में से कुछ ये भी सोच रहे होंगे क्योंकि पत्रकारों के विषय में भी कहा जाता है कि पर्वतों को काटकर राह बनाने का दम रखते हैं हम, कि पर्वतों को काटकर राह बनाने का दम रखते हैं हम, गिर के तूफानों से उन्हें मजा चखाने का दम रखते हैं हम। ये तो तरस आ जाता है हमें आसमां की खामोशी को देखकर, वरना उसका भी सीना चीर कर रोशनी फैलाने का दम रखते हैं। माननीय महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के महामहिम ने भी बात कही कि नशे की प्रवृत्ति को हिमाचल प्रदेश के हर घर से दूर लेकर जाना है और ये समाज का सबसे शिक्षित वर्ग यानी कि पत्रकार ही कर सकता है, इसीलिए इसको भी अपना कर्तव्य समझे। माननीय महोदय, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। हमारे बीच हरियाणा से, कुरुक्षेत्र से पहुंचे समाज सेवी कृष्णलाल मेहता जी मंच पे आना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ मैं 2 मिनट के लिए स्टेज पे आना चाहते हैं, कुछ कहेंगे। मंचा सिंह महामहिम